वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टूल लेके आया हूँ जो बिल्कुल फ्री है। आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। इस टूल की हेल्प से आप एक कीवर्ड जो रिलेटेड कीवर्ड्स है वो फाइंड कर सकते हैं। और इस टूल का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ये टूल बिल्कुल फ्री है और ये गूगल का ही अपना एक टूल है। और इस मतलब टूल की हेल्प से आप कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप ट्रेंडिंग कीवर्ड्स भी देख सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स को लेके ब्लॉग बनाते हैं, उन पे आर्टिकल्स लिखते हैं, तो उनको ट्रेंडिंग कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं कि कौन सा कीवर्ड जो है वो इस वक्त ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, ताकि वो उन पे आर्टिकल्स लिख सकें और ताकि वो उन पे आर्टिकल्स लिख सकें और रैंक हो सकें गूगल में। तो उन लोगों के लिए ये टूल जो है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस टूल की मदद से, इस टूल की हेल्प से वो लोग जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे अपने ब्लॉग अपने आर्टिकल्स लिखते हैं वो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं और अपने ब्लॉग में आर्टिकल्स लिख सकते हैं। उसके अलावा आपको ये जब आप कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको नीचे ये रिलेटेड कीवर्ड्स भी दिखाएगा। एक मुकम्मल कीवर्ड रिसर्च की फॉर्म में आपको ये ट्रेंडिंग कीवर्ड्स दिखाएगा कि कौन से कीवर्ड ट्रेंडिंग में है, और आपको एक ग्राफ दिखाएगा कि ये कब ये कीवर्ड किस टाइम इसका मतलब ट्रेंड में ये किस लेवल पे है। तो मैं आप लोगों को वो सब चीज़ें जो है वो मैं आपको इधर ब्राउज़र में समझा दूंगा। बट उस टूल के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देख सकते हैं कि मेरे सामने क्रोम ब्राउज़र ओपन है, तो मैं इधर सबसे पहले लिखूँगा गूगल ट्रेंड्स। तो मैंने इस पर सर्च किया है तो ये देख सकते हैं कि सामने ये trends.google.com आ गया है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो फ्रेंड्स वो इधर देख सकते हैं कि ये सर्च बॉक्स सामने बना हुआ है कि आप इधर अपना जो टर्म है, ये जो टॉपिक आपने सर्च करना है उसको आप इधर लिखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कंट्री पाकिस्तान सेट है क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो जैसे आप कंट्री जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप इधर कीवर्ड सर्च करेंगे कोई भी, तो जिस तरह मैं इधर लिखता हूँ कीवर्ड, मैं कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड को ही सर्च करता हूँ। अगेन इस कीवर्ड को मैं सर्च करता हूं तो ये आप देख सकते हैं कि इधर ये कंपेयर, आप इस कीवर्ड को कंपेयर भी कर सकते हैं। ये इधर से ये लोकेशन दिखा रहा है पाकिस्तान, पास्ट 12 मंथ का ये हमें रिजल्ट देगा। ऑल कैटेगरीज, इधर से आप कैटेगरी चेंज भी कर सकते हैं। वेब सर्च, इधर से आप वेब सर्च, इमेज सर्च, न्यूज़ सर्च, गूगल शॉपिंग, यूट्यूब सर्च, आप जो सर्च अगर आपने चेंज करनी है, मीन्स कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है उसके लिए आपने अगर ट्रेंडिंग कीवर्ड्स देखने हैं तो आप फिर यूट्यूब सर्च करेंगे। अगर आपने न्यूज़ सर्च के लिए करना है तो फिर आप न्यूज़ सर्च को सिलेक्ट करेंगे। मैं फिलहाल के लिए वेब सर्च ही रहने देता हूँ। तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं, ये लास्ट 12 मंथ्स का ग्राफ है और इसमें हमें ये ट्रेंडिंग कीवर्ड रिसर्च जो कि हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, ये वाला हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, ये दिखाया गया कि कब कब ये ट्रेंडिंग में था, किस लेवल पे। आप देख सकते हैं कि ये इस टाइम ये जो क्या डेट इधर शो करा रहा है 28 फेब से लेके 6 मार्च तक, ये फुल इसका ग्राफ 100 पे जा रहा है। उसके बाद जो आज की जो डेट है 15 से लेके 21 अगस्त तक, ये अभी 25 पे, ये देख सकते हैं 25 और 9, मतलब नेक्स्ट जो है इसका जो ट्रेंडिंग में है वो ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, कि मीन्स कि इसका ट्रेंड बढ़ने की वो क्या कहते हैं उसे चांसेस हैं। तो ये बेसिकली एक आइडियाज ही होते हैं, ये हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं गूगल दे सकता बट ये आइडिया हमें ज़रूर दे देता है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं कि ये मेरे सब रीजन आ रहे हैं, पंजाब, सिंध, ये वो इस्लामाबाद वगैरह। उसके बाद ये रिलेटेड टॉपिक्स हमें दिखा रहा है और रिलेटेड क्यूरीज भी दिखा रहा है। इधर से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम अपना कीवर्ड जो है उसको चेंज करके देखते हैं। तो मैं इधर कीवर्ड लिखता हूँ SEO टूल्स, इसको मैं सर्च करता हूँ और मैं अपना कंट्री जो है वो पाकिस्तान से मैं US कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये हमें लास्ट 12 मंथ्स का US का डाटा दिखा रहा है कि US से मैं ये कीवर्ड कब किस टाइम किस रैंकिंग पे जा रहा था, ट्रेंडिंग में था या नहीं था। तो इधर से आप देख सकते हैं कि ये पूरी उनकी स्टेट्स वगैरह दिखाई है उसने, ये सब रीजन दिखाए हैं। आप इधर से सब रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोई भी आप सब रीजन सिटी, जिस तरह अगर आपने सिटी का डाटा देखना है तो आप सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमने न्यूयॉर्क जो है वो सेट किया है तो न्यूयॉर्क हमें ये डाटा दिखाएगा। तो रिलेटेड टॉपिक्स आ गए हैं, एनालिटिक्स, वेबसाइट कंटेंट राइटर, मीडिया, उसके बाद रिलेटेड क्यूरीज जो है। तो ये देखें कि SEO रिपोर्टिंग टूल्स, SEO टूल फ्री डाउनलोड, तो इस तरह करके इसने हमें दिखा दिए। उसके बाद ये जो 3 लाइंस बनी है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ट्रेंडिंग सर्चेज, जो अब इस टाइम जो सर्चेज ट्रेंडिंग में है वो आपको दिखाएगा। ये देखें, ये इधर से हम अपना कंट्री दोबारा पाकिस्तान करते हैं ताकि हमें लोकल सर्चेज का पता चले।
आई थिंक इधर हमारा जो है वो कंट्री शो ही नहीं हो रहा। चले कोई बात नहीं, हम इधर इंडिया करके देख लेते हैं। ये इंडिया आ गया, तो इंडिया पे क्लिक किया मैंने, तो ये देखे डेली सर्च ट्रेंड्स। आपको डेली के भी मीन्स कि आपको वो दिखा सकता है कि कौन से टॉपिक जो है वो ट्रेंडिंग में जा रहे हैं इस टाइम। तो उसके बाद ये रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स, जो रियल टाइम जो एक ग्राफ होता है ना, रियल टाइम कौन सा कीवर्ड जो है वो रैंकिंग में जा रहा है, उसका कितना ट्रेंड है इस टाइम, कौन सा कीवर्ड ट्रेंडिंग में जा रहा है। अगर आप इस टूल को यूज़ करते हैं तो आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स को फाइंड करके, जो इस टाइम वो टॉपिक्स जो इस टाइम हॉट हैं, जो ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, उन पे आप अपने आर्टिकल्स लिख सकते हैं और उनको रैंक करा सकते हैं। तो आप इस टूल को यूज़ करें, ये बिल्कुल फ्री है, इसको आप मज़ीद एक्सप्लोर करें, क्योंकि पैसे लगाने की बजाय अगर आप पेड टूल खरीदते हैं तो उसकी बजाय अगर आप इन फ्री टूल्स को ही यूज़ करते हैं जो कि अथेंटिकेट है। अब जिस तरह हम कोई थर्ड पार्टी कोई वेबसाइट का टूल यूज़ करते हैं फ्री में, तो मैं तो उनको ज़्यादा अहमियत नहीं देता। कुछ टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ फ्री वाले, बाकियों को मैं अहमियत नहीं देता क्योंकि मुझे बिलीव नहीं है। तो ये जो गूगल के जो फ्री टूल्स हैं, इन पे आप बिलीव कर सकते हैं क्योंकि ये गूगल के अथेंटिकेट टूल होते हैं और ये इसीलिए दिखाए गए कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स को देख सकते हैं। कुछ लोगों ने एड्स वगैरह रन करवाने होते हैं तो वो उनके लिए भी ये होते हैं कि आप लोग ट्रेंडिंग टॉपिक्स को देख लें। मैंने जब भी रिसर्च करनी होती है कीवर्ड की, तो मैं सबसे पहले गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ करता हूँ और उसके बाद मैं गूगल ट्रेंड्स को यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये दोनों टूल्स हैं, ये मुझे ट्रेंडिंग कीवर्ड दिखाता है और वो मुझे जो कीवर्ड रिसर्च मैं उधर से करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं जैसे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स ढूंढता हूँ जिन पर मैं आर्टिकल्स लिख सकूं और रैंक कर सकूं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस टूल को मज़ीद एक्सप्लोर करें और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।